पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में शिव सैनिकों ने मेयर विनोद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। शिव सैनिक शहर की बदहाल सड़कों पर भड़के थे। उनका कहना था कि कहने को मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन नगर निगम ने उसे नरक सिटी से भी बदतर बनाकर छोड़ दिया है। शिवसेना के मंडल प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैहा ने कहा कि शहर की सड़कों का बुरा हाल है। सिविल लाइन्स में रामंगा विहार, आशियाना स्टेशन रोड और दीनदयाल नगर में सड़कें महीनों से खुदी पड़ी हैं। बारिश में इन गड्ढों में पानी भरने की वजह से कई हादसे हुए, तमाम लोग इससे चोटिल हुए और लोगों की जान पर बनाई, लेकिन नगर निगम ने इन गड्ढों को भरवाने की कोई सुध नहीं ली। शिव सैनिकों ने कहा कि यदि मेयर विनोद अग्रवाल और नगर निगम के अधिकारियों में जरा भी शर्म होती तो शहर की पब्लिक को इस नरक में नहीं धकेलते। शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर मेयर और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। दयाल तुरैहा, मंडल प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है और मेयर विनोद अग्रवाल जी का पुतला फूंका गया है, क्या वजह रही है? आज शिवसैनिकों ने मेयर विनोद अग्रवाल का पुतला फूंका है। ज्ञात हो कि विगत एक वर्ष से स्मार्ट सिटी के नाम पर किसी भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। सभी सड़कों में गड्ढे हैं, पानी है, धूल मिट्टी भरी हुई है। शहरवासियों की हालत बहुत बुरी हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है। बीमारियां हो रही हैं, धूल मिट्टी के कारण बीमारियां हो रही हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा है, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, मेयर हैं, ये सब लोग खा रहे हैं। इसी सब से हमने विरोध प्रदर्शन के शिव सैनिकों ने मेयर अग्रवाल का पुतला फूंका है और आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर कपूर कंपनी का पुल का निर्माण नहीं हुआ, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई और जो प्राइवेट बस अड्डा नहीं हटाए गए और जो महानगर में अवैध बाज़ार हैं, कांगन का बाज़ार है, हरतली का बाज़ार है, ये नहीं हटाए गए, स्मार्ट सिटी के नाम पर अवैध बाज़ार तत्काल हटवाए जाएँ। स्मार्ट सिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध बाज़ार नहीं लगता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।